नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तस्वीरें, जहां पर काफी ज्यादा विवाद यहां पर हो रहा है, काफी हंगामा यहां पर। इतना सच्चा था, हिंदुस्तानी था तो रहा टिक्का हो रहा है। हमने हिंदुस्तानी पूरा मामला एक बार मामला बताएंगे। मामला तो जी इनका निर्मल कुटिया वालों का ये कैबिन बना हुआ है, उसके ऊपर तिरंगा झंडा लगा था। उसने किसका बना हुआ है? वो निर्मल कुटिया वाला। निर्मल कुटिया वाला उस पर लिख रहा है, जाके उसकी भी वीडियो बनाओ, बकायदा देखो उसको। उस पे हमारा कंप्यूटर पर बैठता है एक, उसने देखा कि वे झंडा उतार रहे हैं, उतार के उन्होंने डस्टबिन में गिर दिया, फाड़ के। किन्होंने फाड़ा? निर्मल कुटिया वाले के जो बंदे बैठते हैं, इसके सरदार है। हाँ, उन्होंने तिरंगा फाड़ा। किसी ने देखा है? देखा है, फोटो है जी, फोटो है जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप लोग कौन है यहाँ पर? गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। आप लोग नहीं देखे? हमने नहीं देखा जी, देखा उसने। और ये देखिए जी, ये फाड़न लग रहा जी। और ये देखिए, ये फटा हुआ जी। एक बार उसी काउंटर के पास चलते हैं, उसी काउंटर के पास चलते हैं और एक बार वो आपको काउंटर भी दिखाते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो निर्मल कुटिया के सेवादार हैं, उन्होंने शायद तिरंगा झंडा जो लगा हुआ था उसे फाड़ दिया। पूरा मामला क्या है वो तो बाद में समझ आएगी, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। जो गार्ड हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो काफी हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार वो काउंटर देख लेते हैं जरा चल के। निर्मल कुटिया वालों का वो काउंटर है जहाँ पर वो अपने सेवा कार्यों के लिए बैठते थे, और ऐसे में वहीं पर बताया जा रहा है कि शायद कोई तिरंगा था जिसे फाड़ने का मामला सामने आया। सर, क्या क्या जानकारी, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, कोई आपको पता है किसी बारे में? नहीं मैडम, अभी आए हम तो पता है। सर ये काउंटर, ये अंदर है? किस तरफ है? इस तरफ अंदर काउंटर है। और एक बार अंदर चलते हैं, एक बार अंदर चलते हैं और आपको वो काउंटर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये काउंटर की तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की देख रहे हैं, जहां पर ये निर्मल कुटिया के नाम से आप देख सकते हैं यहाँ पे तिरंगा लगा हुआ जी। अब वो फाड़ के उन्होंने बचने के लिए दूसरा तिरंगा लगा दिया जी। वो फटा हुआ कहाँ है? वो फटा हुआ मैं अभी सर के पास था, उन्होंने फाड़ के डस्टबिन में गिर दिया था। मैम सेवादार कहाँ है जो इस काउंटर में बैठते हैं? मैम वो भाग गए, एक सरदार को पकड़ लिया मैम जिन्होंने गाड़ी क्लोज करी थी, और दूसरा सरदार जी भाग गया है गाड़ी में बैठ के। मैम उनको पुलिस ले गई। और ये जो भी गाड़ी में आए थे ये लोग कौन? ये मैम एक सरदार जिनसे बैठा था वो भाग गया जी, वो भी था जिनके साथ। दो सेवादार यहाँ पर बैठे हुए थे, पता नहीं जी कितने थे मेरे आगे, तो जी एक को पकड़ के ले गए। और कौन है यहाँ पे? मैम मैं तो हॉस्पिटल में दाखिल है, मेरा नाम है जी, उनके साथ आया बड़ा था। काफी ज्यादा हंगामा हुआ आप? यस मैम। मैम मैंने देखा नहीं है यहाँ पे, अभी बोल रहे थे भैया यहाँ से झंडा फट हुआ था। मैम इतना ही था, इतना तिरंगा जी, इससे फाड़ने का मामला ये था। जी हाँ जी, फाड़ के जी नीचे गिर रखा था, उन्होंने कहा इसको उठा के मेरे को दे दो डस्टबिन में गिरो कर अपना उठा ले। ये मामला था जिसके बाद सभी लोग भड़क गए आपस। और वहाँ पे है भैया जी जिनके पास तिरंगा है जी, उन्होंने ले रखा है। क्या है यहाँ पे? झंडा फाड़ा हुआ झंडा है। तो आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं आंटी, कह रहे हैं कि यहाँ पर फटा हुआ झंडा है, फटा हुआ झंडा है। सर आपके पास है कोई झंडा जो यहाँ पे फाड़ा गया था? नंबर देना एक बार पेशेंट सीरियस। और आप देख सकते हैं कि पेशेंट का भी मामला है। अस्पताल की ये सीधी तस्वीरें जहाँ पर ये आप देख सकते हैं निर्मल कुटिया मरीज सेवा केंद्र है यहाँ पर, और एक पूरा का पूरा कैबिन बनाया गया है, एक काउंटर दे दिया गया है। निर्मल कुटिया के जो तमाम सेवादार है वो यहाँ पर बैठते होंगे, लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मामला ये सामने आया कि जो तिरंगा लगा हुआ था उसे फाड़ा जाता है, जिसके बाद आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए, और जो गार्ड थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। और ये आप देख सकते हैं ये फटा हुआ तिरंगा, तो ये आप देख सकते हैं कि तिरंगे की तस्वीरें हैं, यही वो फटा हुआ तिरंगा है जिसके बाद काफी ज्यादा हंगामा हुआ। और देश की आन बान शान, देश का तिरंगा अगर कभी भी इस तरीके से अपमानित होता है तो हर किसी को गुस्सा जरूर आता है, हर किसी को आक्रोश जरूर आता है। और वही मामला यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें जो पुलिस के गार्ड थे, यानी पुलिस की टीमें शायद यहाँ पर मौके पर पहुंची है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो कल्पना चावला के गार्ड थे, वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए। तो आप देख सकते हैं कि और भी गार्ड यहाँ पर मौजूद हैं, और भी गार्ड यहाँ पर मौजूद हैं जो उस समय भी मौके पर थे। सर क्या पूरा मामला एक बार बताएंगे? मामला ये था सर, मैम इन्होंने तिरंगा झंडा फाड़ा, हमारे ऑपरेटर ने इनको किसी का नाम पता ये आपको?
क्रीमर कुटिया से है लड़का, नाम उसका प्रॉपर नहीं पता हमें उसका क्या नाम है। उसने झंडा फाड़ा तो हमारे ऑपरेटर ने बोला कि ये झंडा क्यों फाड़ रहे हो आप, तो उसने बोला भाई हम तो ऐसे ही फाड़ेंगे इसको, उन्होंने डस्टबिन फेंक के उसने बोला डस्टबिन से उठा के देते कितना उठा के देंगे आपको, इस कारण बहस होगी यहाँ पे। तो उन्होंने उसके बाद यहाँ पे तिरंगे झंडे लगाए हैं कैबिन के ऊपर, जिसमें कि हमारे पास सबूत है, उससे पहले तिरंगे झंडा कोई भी नहीं है उसके, हाँ, और उसके बाद जो भी तिरंगे झंडे लगाए हैं वो कैबिन पे कोई नहीं है, हमारे पास प्रूफ है उस चीज़ का, उससे पहले कोई तिरंगा झंडा नहीं है। यहाँ पर सेवादार बैठा ये दो दिन में बैठते हैं जी, दो तीन रात को बैठते हैं, इनका यही काम है ना, ये प्रॉपर काम करने दे रहे हैं किसी को, सारा काम ये चल रहा है इनका। 112 आई थी और सिविल लाइन से आए थे SHO, क्या किया पुलिस ने आकर, पुलिस ने आके उस लड़के को ले गए हैं बिठा के, एक से ज्यादा और ले गए हैं, हाँ, और एक लड़के के सामने, एक लड़के ने और गाली ग्रोस किया उसके ऑपरेटर के साथ, कहा कि मेरा क्या कर लोगे तुम, जो होता तुमसे कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। सरदार जी ने करी, एक दूसरा सरदार है ऑपरेटर के साथ किया है, उसमें हमारा गार्ड है जो क्या कहा, धमकी दी है कि देख लेंगे आपको जो भी है, बाद में तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, नुकसान आप लोग क्या करने वाले, रिपोर्ट देंगे थाने में, अभी थाना सिविल लाइन जाएंगे जी। कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है यहाँ पे, ये दो लोग थे मौके के, एक लड़का तो मेन था जिन्हें तिरंगा झंडा पाड़ते हुए देखा हमारा, और दूसरे ने जब उसने बोला तो ऑब्जेक्शन उठाया गार्ड ने, तो ये बोल रहा है कि आपको देख लिया जाएगा, कुछ नहीं कर सकते तुम, हमारा जा रहे हैं सारे, बिल्कुल जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मौके पर डायल 112 की टीम भी पहुंची थी, और थाना सिविल लाइन्स की जो टीम है यही गार्ड बता रहे हैं कि मौके पर पहुंची थी, और ऐसे में एक जो शख्स है, एक आरोपी को पकड़कर जो डायल 112 की टीम है, जो थाना सिविल लाइन्स की टीम है, वो थाना सिविल लाइन्स लेकर जा चुकी है, और यहाँ के जो कुछ गार्ड हैं और जो चश्मदीद थे जिन्होंने तिरंगे का अपमान होते हुए देखा था, अब वो खुद जा रहे हैं कंप्लेंट दर्ज करवाने। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।